Hey guys, assalamu alaikum, aadab, sat sri akal, welcome, welcome back to the channel. What is up? शाम के बज रहे 6 नहीं 6 पार हो गए 6:30 कुछ हो रहा. आज का दिन है ट्यूजडे. लास्ट एक महीने से शाम का रूटीन जो है बैडमिंटन बन गया. इट्स बीन अ मंथ, मोर देन अ मंथ, रोज बैडमिंटन खेल रहे शाम में. थोड़ा एक्सरसाइज भी रहता बॉडी में, थोड़ा दुबले भी होते, बल्कि जो है रोज जाके खेल रहा हूँ. और उसके साथ साथ दो दिन पहले मैं जिम भी स्टार्ट करा. जिम बोलते कि ऐसा वेटा वेटा उठा लेना, डेडलिफ्ट ये वो नहीं, थोड़ी बहुत वॉकिंग, थोड़ा बहुत कार्डियो एक्सरसाइजेस और थोड़े बहुत वो चेस्ट और बाइसेप के एक्सरसाइजेस, बस ये. ऐसा ऊपर उठाने वाले नहीं है अपन, वेट करके बोले तो अपने को जो है बैक पेन है. अल्हम्दुलिल्लाह दो दिन से तो अच्छा है, वो बैक पेन तो आ रहा नहीं, अच्छा कर ले रहा हूँ जिम. और आज भयंकर पैरों में दर्दा है भाई, सुबह से तो चलने भी नहीं आ रहा था, ऐसा पेंगविन के जैसा चल रहा हूँ मैं तो. दर्द बहुत है बट फिर भी जाके आज बैडमिंटन खेलना है. बैडमिंटन अडिक्ट बन गया हूँ मैं, खेलना दिल भरा रोज जाके. और खेलते खेलते मेरा गेम इतना इंप्रूव हुआ कि आज आप लोगों को व्लॉग में लेके जाके दिखाता हूँ. आज अपन जो है दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने वाले हैं. आप लोगों की अगर दोस्तों को मिस कर रहे हैं, एक बार 23-25 साल पार होते कि सब लोग अपने अपने करियर्स में लग जाते. आई फील लकी बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी भी यहाँ है. हम लोग रोज बैडमिंटन खेलना, कभी कभी फिल्मों को जाना, कभी कभी रिसोर्टों पे जाना, अभी भी दोस्ता है, मजे कर रहे हैं हम लोग. आज आप लोगों को लेके चलता हूँ मेरे दोस्त के घर को, जहाँ पे हम लोग रोज बैडमिंटन खेल रहे. जाएंगे वहाँ, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, खेलेंगे. आप लोग मेरा गेम देखो, यहाँ माहिरा है, 3-4 बार आके चले गए इन्हें जब से. हेलो, क्या है? हाय, बोलो चाचू, बोलो चाचू. शी इज द क्यूटेस्ट वन, जुनेरा की छोटी बहन है. बाय बोलो बाय. आज जुनेरा का बर्थडे है, अभी केक लाया और जुनेरा की आज नई साइकिल आई, बर्थडे गिफ्ट. जल्दी जल्दी ये बंदाना जो है मैं फोल्ड कर लेके सर पे बन लेता हूँ और अपन जो है खाजीपेट के लिए निकल लेंगे. बंदाना बंदाना गैंग करते हम गाली में भाई. डेडिकेशन की ऐसी बात होती, देखो सीधा चलने नहीं आ रहा, जब से गाड़ी पे बैठ बैठ के उतरे थे पैर पूरे स्टिफ हो गए. तो ये है पीछे हमारा ग्राउंड है, ये रोड है जो कि झाड़ा वाड़ों से भर गई थी, तो लोग वो रोड को क्लीन करके मोरम वोरम दला के रोड रोड से दबा के नेट वेट बन के लाइटा वाइटा लगा के फिर किसको भी डिस्टर्बेंस नहीं रहना, किसके पास से भी कोई भी कंप्लेंट नहीं रहना, बल्कि सिर्फ 10-10:30 बजे तक क्लोज कर दे रहे और ये पर्दा बन दिए. तो जितने भी लोग बैठ रहे पर्दे के उधर बैठ रहे, इधर वालों को नो डिस्टर्बेंस. पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे आज पूरी क्राउड बहुत ज्यादा है. नॉर्मली हम लोग 6 टीमा खेलते, यानी 12 लोग, आज ज्यादा लोग हैं. विक्टर फयाज लोग खेल रहे हैं. अपन चिट्टी विट्टी डालेंगे, उसमें से किसका नाम आता, किसके साथ खेलने वाले खेलेंगे. यादव भाई को मैं कितना भी बोलो शूज पहन के आके खेलो, इनो नवाब है, नवाबी है, वो महंगे महंगे सैंडला स्लीपर पहन लेके आके खेलते टूट जाते यार. क्रॉक्स वॉक्स ऐसी क्रॉक्स पहन लेके आया, तोड़ लिया जोशुआ. मैं भी अभी ऑडियंस को बोला, मैं एक व्लॉग बनाया था बैडमिंटन का, उसमें ऐसा ऐसा खेल रहा था. अब अल्हम्दुलिल्लाह नबील भाई स्मैश दिए तो जट बल के घुस जाना अंदर चड्डी के अंदर, वैसा है मसला. ये अपनी रैकेट है, नैनो फ्यूजन स्पीड ओपैको या ओपैक कुछ कंपनी की है. ये हमारे तिमोतन्ना खरीदने गए थे एक रैकेट, तो मैं बोला मेरे को भी एक ला लो, मेरे लिए ये लाए. अच्छी है बैट, बिल्कुल हल्की, 730 या 740 ग्राम्स की है ये, बहुत बहुत हल्की है भाई, बहुत हल्की है. खेलते खेलते वो स्लिप हो गई और टूट गई, तो ये दूसरी वाली है अपनी 8000 वॉट. और हमारे तिमोतन्ना जो है 21000 की एक ली है, वो भी टूट गई, मारने आरने में फट बोल के टूट गई. क्या कर रहे हैं सोहेल, क्या कर रहे हैं? कबड्डी मेरा गाना ड्रॉप करा है स्टोरीज. अभी सोहेल जो है, सोहेल का एक नया गाना आया यूट्यूब पे, अभी ड्रॉप करे वो स्टोरी वोरी लगा रहे हैं यहाँ ठहर के. तो यहाँ पे आई कार्ड में डाल देता हूँ मैं, सोहेल को प्रमोट कर रहे हैं अपन दिल से, ताहे दिल से व्लॉग्स में. आप लोग आ जाके सोहेल का गाना देखो, वन एंड हाफ मंथ से खेल रहे हैं हम लोग.
रहा है यहाँ पे टू के जी इज लॉस्ट आई डिडंट सी माय वेट तो आई डोंट नो हाउ मच डिड आई लूज द फाइनेस्ट प्लेयर बहुत अच्छा खेलता भाई बंदा ऐसी प्लेसिंग करता खाली ऐसी ऐसे ठहर के शॉट देता ठहर के प्लेसिंग करता ऑल राइट ये हमारे टीम के अपोजिट शिवसाई है ये अनिल अन्ना है अनिल अन्ना भी बहुत अच्छा खेलते सुस्कुंदम चिंपेदम खाली मेम तप्पकुंडा मेमे गेलुस्तानम और ये मेरा टीममेट प्रदीप है और हम लोग टॉस कर रहे सेमीफाइनल्स चल रहा सर्विस और कोर्ट हम लोग वो कोर्ट ले रहे हैं लोग सर्विस ले रहे चलो फाड़ देंगे बस ऊपर मम अरे जीते मार पॉइंट लो नहीं भाई हम लोग जो है लव में हार गए मेरा दिमाग पूरा कैमरे के पास था समीर किधर से ले रहा अच्छा ले रहा आ रहा नहीं आ रहा बोल के सोच लेते हुए जो है थोड़ा वो कैमरे के लिए मैं इधर उधर खेल के जो है हार गए हम लोग उन लोग 7 points और हम लोग 0 में हार गए बिकॉज और हवा का भी सपोर्ट था उन लोग को खाली ऐसा मारते कि हमारा कॉक ऑटोमेटिकली बाहर चल जा रहा था ये हमारे तिमोतन्ना है ये ग्राउंड के बॉस है बॉस बिल्कुल ग्राउंड को चिपक के जो है इनका बड़ा घर है यहाँ जितने लोग हैं नहीं लोग हर हफ्ता हर महीना दावत देते रहते बुला के खिलाते रहते खाना बना के ये सबके भैया है सबके भैया मेकू और तिमोतन्ना को ये मैच दोनों को मैच है विल प्ले एंड आई विल शो व्हाट आई एम सेकंड मैच है वी आर गोना किल इट नंबर आ रहा है मामू ये किसको रे निखिल निखिल ये किसको माम फयाज ओके ये किसको मैम राहुल दूसरी बार फर्स्ट लगाता हूँ बोल के इसको मालूम है कहते भाई मैं वेट लगाया नबिल बोल मैम नबिल ने बोलना यार लास्ट मैच फोर्थ मैच भाई फोर्थ मैच चार मैच तीन मैच है बैठना हमारा मैच है फोर्थ मैच पैरा बहुत दर्द दे रहे वो जिम की वजह से ओ माय गॉड गॉड अब तो भी जीतना है फोर्थ मैच चल रहा हार देना है एटलीस्ट ये मैच तो भी अपन जीते तो जो है मजा आने वाला है ठंडा नींबू का शरबत चियोस चियोस विद द टीममेट शादव की प्लेस छीन लिया हमें शादव खेल रहा था तो प्लीज प्लीज मैं खेलता हूँ बोल के मैच ले लेके खेल रहा हूँ और ये अपना एनर्जी बूस्टर है लेट्स हैव इट ठंडा ठंडा मस्त शरबत तो हो गया गाइस हम लोग पूरे जो है पैक कर लिए रात के बजे 10:30 रोज रूटीन चल रहा है कभी कभी कुछ काम रहा तो इधर नहीं आ रहा बट मैक्सिमम टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड टू हैव फन छोटे जब से थोड़ा स्पोर्टिव पर्सन में स्कूल में क्रिकेट में था डांस में था सिंगिंग में था पूरे करिकुलर एक्टिविटीज में जाता था सबसे पहले अभी भी हूँ बट क्रिकेट जो है थोड़ा बैक पेन की वजह से छोड़ दिया इट्स बीन सो लॉन्ग दैट आई डिडंट प्ले क्रिकेट परसू पहले प्रीमियर लीग भी जो हुआ हैदराबाद में यूट्यूबर्स वर्सेस यूट्यूबर्स मैच वहां भी नहीं गया मैं बैडमिंटन खेल रहा उस दिन भी बैडमिंटन खेला मैं वरंगल में बट आई एम ऑलराइट आई एम डूइंग अमेजिंग आई एम डूइंग फाइन एंड इट वाज ऑसम प्लेइंग विद फ्रेंड्स तो मजा आया और हम लोग जो है तीन मैचेस जीते अभी लास्ट मैच एक 20 पॉइंट्स का खेले बट हार गए फयाज और मैं हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहती मैं और फयाज बहुत अच्छा खेलते और आई थैंक शादव शादव इधर आई थैंक शादव फॉर सैक्रिफाइसिंग द मैच मेरे वास्ते दो मैच छोड़ लेके मैं को दिया एक मैच जिताया एक मैच हार गया बहुत बहुत मजा आया बुला लो कभी बैडमिंटन बैडमिंटन के टूर्नामेंट आए तो आके खेलता हूं मजा आ रहा आजकल इसमें मजा आ रहा ऑलराइट गाइस दो पार्सल्स मिले अनबॉक्स करना है मिले नहीं खरीदा से हम लोग जब भी वारंगल डायरीज की शूट कर रहे हैं तो वो हमारा जो DJI वायरलेस गो यूज करते हैं हम लोग उसकी चार्जिंग बहुत जल्दी जल्दी हो जा रही और ज्यादातर टाइम हम लोग रेस्ट लेने में लगा रहे हैं उसमें चार्जिंग नहीं रहने की वजह से माइक चार्जिंग पे है बोल के हम लोग जो है शूट पे ज्यादा रेस्ट ले रहे हैं उससे नहीं होता ऐसा हम लोग शूट बहुत लेट कर रहे हैं बोल के मैं जो है DJI वायरलेस गो 2 ऑर्डर करा यहाँ पे ये बॉक्स में है वो अपन अनबॉक्स करके देखेंगे ये चीजें कैसे है क्या है हमारे पास ऑलरेडी DJI वायरलेस गो 1 है जो कि हम लोग यूजुअली 2 साल से यूज करते हुए It's been 2-2.5 years. I didn't equip anything new. तो नए नए चीज अभी मैं ऑर्डर करना स्टार्ट करा वारंगल डायरीज की अपग्रेड के लिए 2 साल हो गया तो हम लोग वैसे ही रह नहीं सकते कुछ नया करने के लिए और नए चीजें मैं आप लोगों के सामने लेके आता और अच्छी नए तरीके से हम लोग वारंगल डायरीज के वीडियोस बनाएंगे बस आप लोग जो है सपोर्ट जारी रखो और ये वीडियो को लाइक करो जल्दी लाइक करो जल्दी लाइक करो तो अपन जल्दी जल्दी से अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या है कैसा है सबसे पहले मैं जो है
ये अनबॉक्स करा, ये कुछ ऐसा है, देख सकते आप लोग। तो ये सिर्फ वो जो इंटरव्यू लेते वो स्टैंड है बस, और उसके ऊपर एक छोटा विंड स्क्रीन आता, वो है इसके अंदर। नीट अपन जो है इसको थोड़ा अनबॉक्स करेंगे, कहीं को बोलते ये, फिर ये डब्बे में रख के अंदर रखना रहता। हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है वारंगल डायरीज न्यूज में। अभी हम लोग है हनमकुंडा में, यहाँ पे बहुत तेजी तेजी से तूफान बारिश इसके अंदर जो है ये ऐसा रहता, ये सिर्फ रॉड है और ये विंड स्क्रीन है। ये विंड स्क्रीन को जो है ऐसा पिनाते, मेरे ख्याल से ऐसा पिनाते और यहाँ से जो है बात कर सकते, वो आप लोगों को मैं कैमरा आने के बाद टेस्ट करके बताता हूँ। तो ये जो है ये है, ये सिर्फ ये रॉड और ये विंड स्क्रीन, ये दो चीजों मिला के मेरे को जो है 2600 या 2700 में जो है ISO है। इसके ऊपर MRP जो है MRP 2750 है, शायद उत्ते का ही पड़ा है। अपन जो है अभी माइक्रोफोन अनबॉक्स करेंगे। ये रहा माइक्रोफोन का बॉक्स, इतना बड़ा डब्बा है, इतने बड़े डब्बे के अंदर देखो इतना छोटा डब्बा है। ऑलराइट, तो ये है हमारा नया रोड वायरलेस GO 2, देख सकते हैं आप लोग। एक रिसीवर है और दो ट्रांसमीटर्स है। ये इसीलिए मंगाया मैं कि इसके साथ दो ट्रांसमीटर साथ, एक ट्रांसमीटर में चार्जिंग हो गई तो और एक ट्रांसमीटर लगा सकते, दुगना शूट कर सकते, और हमारे पास और एक रिसीवर ट्रांसमीटर भी है, तो और मजे ही मजे है, शूटिंग कोई भी तरीके से नहीं रुकती। Here we go. यहाँ पे एक बैग आया, इसके अंदर बैग है, ये केबल्स है जो इसके साथ आते, और ये रहे हमारे रिसीवर, ये है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर और रिसीवर, इन तीनों के साथ तीन छोटे छोटे विंडशील्ड्स है। तो ये माइक कैसा यूज करते बोले तो वो रिसीवर अपन कैमरे पे लगा देते, और ये जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर को अपन ऐसा करके इसको इसमें जो है लगा के लगा दिए, खत्म। ये इन्हें इसमें बैठ गया, सुपर, दिस इज द ट्रांसमीटर। ऑलराइट, हाय गाइस, नेनू ये दो चीजें खरीदे अपन, अब ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अभी एक बार ऑन करके भी देखता हूँ मैं, इसके अंदर लाइटा वाइटा आ रहे नहीं आ रहे, चल रहा है ना इसके ऊपर, या ब्लू लाइट आ रही। ये अभी नॉर्मली फोन के साथ या इसके साथ अपन टेस्ट नहीं कर सकते, अपना कैमरा जो है अभी हैदराबाद गया, कहीं बोले तो वही ऑडियो जैक का प्रॉब्लम है, वापस से फिर रिपेयर को भेजा मैं। ये A7 III के साथ यही प्रॉब्लम है, जो भी लोग A7 Mark III ले रहे सोनी, तो प्लीज डोंट बाय दैट, वो जैक का प्रॉब्लम बहुत आता, अगर आप वीडियो क्रिएटर है तो उसके पीछे परेशान हो जाना पड़ता। अभी अपन बहुत जल्द एक नया कैमरा भी खरीदने वाले हैं, लाइटिंग सेटअप वो बहुत सारी चीजें अपग्रेड करने वाला हूं। अगर कोई भी यूट्यूब कर रहे या कोई भी फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड है, वो आप लोगों के अगर फिल्म मेकिंग के बारे में या कुछ भी वीडियो मेकिंग के बारे में, एडिटिंग वेडिटिंग कोई चीज के बारे में कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स में छोड़ दो, मैं अगले वीडियोस में जब भी टाइम मिला आंसर करने की कोशिश करता हूं। वैसा और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइस लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा दिखा, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट, एंड मोटिवेट सपोर्ट मी इन मेकिंग मोर गुड वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या।